Dear students, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are doing well at your home. Open your textbook of general science class 6th at page number 70, chapter body movements. Our today's subtopic is movement without legs. For example, snake. In previous video we have discussed about the fish, how a fish moves, how it swims in water with the help of fins and other tail and other things without legs. So today we are going to discuss about the snake. जो body of a snake जो हैं वो long होती हैं, cylindrical होती हैं. Snake की जो long और flexible backbone होती हैं, इन्हें इस सांप की जो बैक बोन्स हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, जो इसको इसकी बॉडी को बना देता है बेंड, इजीली ये कर पाता है और लूप्स बनाता है, यानी कर्व्स बनाता है स्नेक वाइल मूविंग. इट हैज़ आल्सो स्ट्रांग मसल्स. एक स्नेक के पास स्ट्रांग मसल्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं इसके स्केलेटन के साथ. स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स. जो स्नेक्स हैं उनको लेग्स नहीं होती हैं. Even then they move quite fast. And without legs they move quite fast. वो बहुत तेज़ी के साथ चल सकते हैं. Snakes जो हैं ये use करते हैं पूरी body, long और flexible body to move from one place to another. Snakes have several ways of moving about. इनकी बहुत सारी तरीके हैं चलने के. We will describe the most common way of movement in snakes. जो most common way हैं वही हम discuss करने जा रहे हैं. एक snake move कर सकता है forward by moving its body sideways. ये sideways body move कर सकता है in the form of many loops. Loops की शक्ल में आप picture में भी यहाँ पर देख सकते हो. और push against the ground with the underside of moving loops. In most simple words we can say जो ये snake हैं ये move करता है forward by moving sideways, यानी sideways की तरफ move करते ये आगे की तरफ चला जाता है. We can explain the movement of a snake as follows. एक snake contract करता है और relax करता है muscles on the two sides of its body alternately to form many loops or curves. इसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्नेक्स के जो स्नेक्स बॉडी हैं वो मूव करता है लेफ्ट साइड और राइट साइड एट द सेम टाइम. हर एक साइड वे जो हैं वो मूविंग लूप ऑफ स्नेक्स बॉडी पुशेस वो बैक पुश बैक भी करता है अगेंस्ट द ग्राउंड एंड गिव्स द स्नेक ए फॉरवर्ड पुश, जिससे स्नेक को एक फॉरवर्ड पुश मिलता है. Resultant push of all the loops of snake's body make the snake move forward very fast. जो special name of the wave like motion of snake is, इसको slither बोलते हैं. जो इसकी ये special name है चलने का wave like motion जो ये बनाता है snake, इसको slither कहते हैं या slithering कह सकते हैं. So we can also say that the snake's slither on ground by looping. स्नेक जो है ये स्लिथर करता है ग्राउंड पे लूपिंग साइडवेज. स्नेक जो है ये मूव नहीं कर पाता है एक स्ट्रेट लाइन में, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव कर सकता है. दिस इज़ बिकॉज जो साइडवेज जो इसको पुश करते हैं लूप्स पुशेस ऑफ द लूप्स वो पुश करता है स्नेक को फॉरवर्ड एज एज वेल एज साइडवेज. तो इस तरीके से स्नेक जो मूव फॉरवर्ड करता है बाय पुशिंग द ग्राउंड बाय इट साइडवेज मूविंग बॉडी लूप्स. इस तरीके से ये जो एनिमल्स हैं जैसे कि ये स्नेक हैं या फिश हैं या इसी तरह ये स्नेल हैं जिसको गोंगा बोलते हैं या ये अर्थवर्म हैं, तो ये विदाउट लेग्स दे कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस.